नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एंटीलिया केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री से भरी एसयूवी के मामले में सचिन बाजी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जांच के दौरान एनआईए के हाथ कई और सबूत आए हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सीआईयू में रहते हुए सचिन वाजे जब संदिग्ध स्कॉर्पियो और बम धमकी की जांच कर रहे थे, तब ठाणे की अपनी ही सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज डीवीआर को जब्त कर लिया था। सोमवार को एनआईए की टीम जब सचिन वाजे के घर जांच के लिए पहुंची, तब इस बात का खुलासा हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि उस डीवीआर से फुटेज मिटा दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कोई जांच अधिकारी अपनी ही बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज क्यों जब्त करेगा। जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों के जहन में सवाल उठ रहा है, क्या सचिन वाजे ने विक्रोली से स्कॉर्पियो कार लाकर अपने ही कंपाउंड में तो नहीं रखवाई थी। संदेह है कि 25 फरवरी के बाद जब मनसुख से वाजे के संबंध सामने आए, तो क्या तब सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया। फिलहाल जांच एजेंसी एनआईए इस संबंध में सीआईयू के एपीआई रियाज काजी से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि एनआईए ने 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई में अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी एक कार पाए जाने की जांच के सिलसिले में वाजे को शनिवार को गिरफ्तार किया था। कार में जिलेटिन के 20 छड़े मिली थी। कार के मालिक एवं ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या भी कर दी गई थी, जिसके बाद वाजे की भूमिका सवालों के घेरे में है। हिरेन 5 मार्च को ठाणे जिले में मृत पाए गए थे। वाजे ने 63 कथित अपराधियों को मुठभेड़ में मारा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।